गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट अरोमेटिक अमाइन्स। आज हम पढ़ेंगे अरोमेटिक अमाइन्स। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक है यूनिट टू में से सेकंड टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है अपना फिनॉल, सेकंड टॉपिक है अरोमेटिक अमाइन्स। फर्स्ट डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ अरोमेटिक अमाइन। किसे कहेंगे अरोमेटिक अमाइन्स? अरोमेटिक अमाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ नाइट्रोजिनस कंपाउंड। ये क्या है? नाइट्रोजिनस कंपाउंड का इंपॉर्टेंट क्लास। नाइट्रोजिनस कंपाउंड, ओके, अमाइन क्या चीज है? नाइट्रोजिनस कंपाउंड है। दीज कंपाउंड विच कैन बी रिगार्डेड एज डेरिवेटिव ऑफ अमाइन। दीज कंपाउंड्स आर अरोमेटिक अमाइन्स आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया कैसे क्या हो गए? क्योंकि इसमें NH2 है और ए अमोनिया के जो तीन हाइड्रोजन्स है, तीन हाइड्रोजन में से मिनिमम वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय अरोमेटिक रिंग और सिमिलर अरोमेटिक स्ट्रक्चर। अरोमेटिक रिंग से होता है, यानी इसका अगर हम जनरल फॉर्मूला लिखेंगे तो ArNH2 इस तरह से आएगा। ओके, अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? या सिंपली आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कि अरोमेटिक रिंग हो और उस अरोमेटिक रिंग को डायरेक्टली अटैच हो आपका NH2। दिस कैन बी द डेफिनेशन। डेफिनेशन अगर बोलना है तो इसको कैसे बोलेंगे? अरोमेटिक अमाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स विच कैन बी रिगार्डेड एज, विच कैन बी टर्म्ड एज, जिसे ऐसे कंपाउंड जिसके डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया इन विच वन और मोर हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड बाय वन और मोर हाइड्रोजन are replaced by aryl groups or aromatic rings is an organic compound. So ऐसे compound जो बनेगा organic उसे हम कहेंगे aromatic amines. Okay. Example कौन से इसके? तो example है आपका aniline. Aniline को कैसे लिखेंगे? इस तरह से इसका एग्जांपल आएगा एनिली, NH2, क्योंकि एग्जांपल ऑफ एनिली। ओके, या फिर एन मिथाइल एनिलीन क्या होगा स्ट्रक्चर? NHCH3, एन मिथाइल एनिलीन सिमिलर स्ट्रक्चर। एन मिथाइल, दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ aromatic amines.